हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अर्ली अर्ली गुड मॉर्निंग वाला टाइम है, सुबह का मतलब बहुत जल्दी वाला टाइम है। मैं तो आप वीडियो थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, पर मैं काफ़ी सुबह से ही उठ गई हूँ, तो मतलब 5:30 बजे से ही घर में हम लगे हुए हैं, काम वगैरह हम करने लगे हुए हैं। तो बस 5:30, मम्मी तो बल्कि 4 बजे उठ जाती है, बट आजकल मैं जल्दी थोड़ा उठ रही हूँ, तो आज तो 5:30 बजे से उठे हुए हैं। तो बाहर मैंने मशीन लगा रखी है, काफ़ी हद तक कपड़े धुल चुके हैं और घर की सेटिंग कर चुकी हूँ, पूरा बेडशीट वगैरह सब झाड़ के बिछा चुकी हूँ, डस्टिंग कर चुकी हूँ, अब झाड़ू लगाने जा रही हूँ फाइनली। तो यहाँ पर मैंने गैस पर राजमा भी चढ़ा रखा है, कह रहे चलो राजमा मुझे बनाना है ना, इसी वजह से कि चलो इतने बॉयल हो जाएगा फिर मैं छोक दूँगी। पापा वहाँ बाहर बैठे हुए हैं और मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, तो क्योंकि मम्मी अभी नहाने ही वाली है, पापा नहा चुके हैं, क्योंकि मम्मी पापा को सुबह मतलब नहाते के साथ ही पूजा करनी होती है, तो इसलिए मेरे घर में पोछा झाड़ू बहुत जल्दी होता है। और ये भी वॉक से आ चुके हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो सुबह सुबह मतलब हमारे घर में ना सब लोग ऐसे बिजी से हो जाते हैं, सब अपना 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 काम करते हैं, मम्मी अपने पूजा पाठ का काम शुरू कर लेती हैं, मेरा क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इनसे किसी टॉपिक पे बात कर रही थी, मुझे अभी तो याद ही नहीं है कि किस टॉपिक पे बात कर रही थी, पर यहाँ पे मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए। तो बस कुछ नहीं, अपने घर में जो कहते हैं ना मियाँ बीवी होते हैं तो बतेरी चीज़ें होती हैं, बतेरी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं, कभी कुछ पूछते हैं कभी कुछ पूछते हैं। तो यहाँ पे बस इनका ब्रश वगैरह हो गया है, वॉश बेसिन मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, तो अब बस मैं फटाफट से पोछा लगा के आप लोगों से मिलती हूँ। अब पोछा लगाने के बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ, कुर्सी पे जितने भी कपड़े रखे हुए हैं ना ये धुल चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, बट सुखाए नहीं है मैंने अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा, कभी कुछ लगा हुआ है मेरे साथ। तो और यहाँ पे बाहर पानी आ रहा है तो मैं हाथ से कपड़े खंगाल रही हूँ, पहले मैंने पाइप लगा रखा था बट प्रेशर कम है तो फिर मशीन में चढ़ नहीं रहा था पानी, फिर मैंने सोचा कि चलो हाथ से ही कर देती हूँ। तो यही लास्ट है, बस इनिंग को करने के बाद पायदान वगैरह धोने हैं, पायदान धो लूँगी क्योंकि वो भी गंदे हो रहे थे। और कपड़े धोते धोते ही बाहर का फ़र्श भी धो जाता है, क्योंकि साथ में वो पानी गिरती रहती हो ना, तो बाहर का फ़र्श भी धुल जाता है। तो यहाँ पे मतलब एक के साथ एक कई काम होते हैं, यहाँ पे मैं इनसे फिर दोबारा किसी ना किसी टॉपिक पे बात ही कर रही थी, मतलब वो ये कह रहे थे तो साबुन का पानी डाल रही है, साफ़ पानी डालियो, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं डाल दूँगी, मुझे भी पता है, तो इसलिए। और बस ये ड्रायर हो चुके हैं कपड़े और इनको मैं सुखाऊंगी, और अभी पता है टाइम होता जा रहा है और अभी मुझे राजमा भी बनाना है, तो मैं बस इसी को देख रही हूँ, मैंने कहा फटाफट से कर लो। और बच्चों को भी नहा रहे हैं, बेटी नहा चुकी है और बस बेटा है जो वो मेरे साथ ही नहाएगा। और आप लोग कह रहे थे ना कि मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल वाली वीडियोस पे कि आपके ससुराल वाले चले गए हैं क्या, चले गए हैं क्या, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मम्मी तो यहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, मेरे ससुराल वाले कहीं नहीं गए हैं, अभी यहीं हैं, मम्मी पापा दोनों यहीं हैं और अभी जल्दी से जाने वाले भी नहीं हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, वो हमारे साथ ही रहेंगे, बट हाँ अभी जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद फिर शायद आएंगे वापस। और दूसरी बात, कल जो भी वीडियो थी ना तो उसमें सब लोगों के मोस्टली लोगों के कमेंट यही आए थे कि आप लोगों ने मतलब बताया नहीं कि किस बारे में बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को बहुत गलत फहमियाँ भी हुई थी, बहुत से लोग बहुत रूडली बोले भी थे। एक तो कमेंट मेरे पास यही आया था कि आप है ना रश्मि जी की कॉपी मत किया करो, और अगर नहीं करती हो तो बताओ फिर कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो एक बात बताऊँ, रश्मि जी की बात मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ भाई, देखो सब अपना अपना करते हैं और सबके घर में सबके दिमाग में अपने थॉट्स होते हैं, सबके घर में अपनी अपनी बातें चलती हैं, सब कुछ अपना अलग होता है, तो हम किसी की कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात तो रश्मि अपना काम करती हैं, मैं अपना काम करती हूँ, तो यार ऐसा क्या खास वो करती हैं जो मैं नहीं करती हूँ, क्यों हैं तो मतलब ऐसे तो कोई वो झंडे नहीं गाड़ते हैं जो मैं नहीं करती, वो अपना घर का काम करती हैं, मैं भी अपने घर का काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग ही अनोखा ही या खास ही कुछ काम करती हूँ जो हम
कोई और व्लॉगर कर ही नहीं सकता, सभी काम करते हैं, ठीक है। हाँ ये बात ज़रूर है, वो एक बड़ी यूट्यूबर हो गई हैं इसलिए आप लोग उनकी ज़्यादा बोलते हैं और हमारे लिए नहीं, तो ऐसा नहीं है। नकल करके हम कब तक रहेंगे, सब अपना अपना करते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके की बात तो करें मत करें। और कई बार ऐसा होता है हमारे मन में बात चल रही होती है तो हम लोग आपसे कह के है ना मन को हल्का कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ें हम रिवील नहीं कर सकते। ऐसे बस लाके दूं जिसमें तेरे को पता नहीं बंदा चाकू होगा, जैसे तू ऐसे करेगा ना ऐसे निकलेगा चाकू गाल से बाहर तो यहाँ बस ये मुझे छेड़ रहे हैं, कह रहे थे और थोड़ी तेज से कर जिससे दांत ही बाहर निकल जाए, आप सुन ही रहे होंगे। तो कह रहे अब लोहे का ब्रश ला के दूंगा जिससे तेरे दांत और ज़्यादा चमक जाएंगे। तो इनका ऐसा ही चलता रहता है, मतलब बोलते बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। कभी नहीं कभी नहीं कभी लहसुन छील दो बस, उसको छीलने में मुझे बहुत खुंदक आती है। इसको पता क्या बोलते हैं, किसको राजमा को? कई नाम है, कोई किडनी बीन, पहाड़ी किडनी किडनी बीन, निकाल देगा। किडनी के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए खराब होता है, किडनी के लिए अच्छा होता है। सुसु अच्छा फिल्टर होता है इससे। अच्छा लसन छीलिए ना, वो पढ़ लेगी, पीप नहीं तो उसने। पता कितने सारे मतलब स्कूल में वो आए हैं, मतलब सभी पेरेंट्स ने नो 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 ही लिखा है। तो अपने बच्चे फोन पे काम नहीं करता फिर? हाँ तो मतलब सब जैसे पूछ रही होगी ना ग्रुप में, पूछा दिखे ना आपसे भी। हाँ तो सबके तो नो, मैंने नो लिखा है, सभी ने लिखा है नो, अब नहीं भेज रहे भैया, पढ़ाना पढ़ा लो। मैं तो यूं कहूँ कि एक साल अगर वो भी कर दे ना, रद्द भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा है ना, बच्चे कम से कम दोबारा का ढंग से तो पढ़ेंगे। रद्द क्यों कर देंगे, खराब करोगे, पैसे नहीं दिएगा तुम? हाँ रद्द कोई कर रहे थे पर सारे पैसे रिटर्न हाँ कर। पैसे रिटर्न क्यों भैया, रद्द कर देंगे ये थोड़ी। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लियो, हाँ वो तो उसमें मिर्ची डाल के बना कर, और मसाले भी उसी में डाल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी बक 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 खाना मैं बनाती हूँ, एडवाइस वो करते हैं इस तरीके से बनाइए उस तरीके से बनाइए। तो यहाँ मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ों में वो हेल्प करके चले जाते हैं। अब बेटी वहाँ पे अंदर है ना एग्ज़ाम कर रही है, तो वहाँ से वो आवाज़ दे रही है कि मम्मी इधर आके मुझे थोड़ा समझा दो, मेरे को थोड़ा समझा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो इनको जितना समझ में आता उतना करो, और मैं इतने आ रही हूँ बेटा, सब्जी छोक के आ रही हूँ। तो यहाँ पे लहसुन छील गए थे और अदरक और हरी मिर्च, और मैंने इसी में ही दालचीनी और दो तीन लौंग डाल के मतलब एक पेस्ट बना लिया है, क्योंकि लौंग मेरे मुंह में आती है ना मुझे बड़ी बुरा लगता है, तो इसीलिए मैंने उसी में सब में पीस लिया था और एक पेस्ट बना लिया है। और जैसे ही प्याज है ना 50% हो जाएंगे ना, फिर मैं उस वाला जो पेस्ट बनाया था ना मैं वो डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये देखिए मैं डाल चुकी हूँ इसमें हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया था वो, इसलिए काली काली दिख रही है आपको प्याज और हरी हरी सी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, जब मेरा वो हो गया तो टमाटर ऐड कर दूँगी, और टमाटर को अच्छे से मतलब मिलाते हुए इसे कवर करके रखूँगी जिससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पक जाए। और जब थोड़ी देर में देखा तो देखिए कितने अच्छा ऑयल आया है, कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया है। अब इसके अंदर सिर्फ सिंपली सिंपल वाले मसाले डालूंगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, सिर्फ यही डालूंगी। और देखिए और नमक डालूंगी, और इसी से ही राजमा इतना टेस्टी बनेगा ना कि कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा में। बस धीमी धीमी आँचों पर पकाते रहो। यहाँ पर मम्मी है आटा लगा रही है, और है ना मेरी उंगली है ना जल गई थी, तो जल गई थी तो उसमें ना जो ऊपर फफोला सा नहीं आ जाता है वो था 2 दिन तक, तो कोई परेशानी नहीं थी। जब से वो फफोला फूटा है ना मतलब ऊपर से खाल हट गई है, जब से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मतलब उसमें कुछ हर चीज़ उसमें लग रही है, आटा वाटा लगा रही हूँ तो भी उसमें दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं, अभी से अच्छे से मिला के मैं कवर करके रखूँगी। और सही में मसाला अभी से इतना शानदार लग रहा है, इतना ऑयल भी आ रहा है, तो कवर करके रखूँगी, फिर इसके अंदर राजमा ऐड करूँगी। और थोड़ा सा राजमे में से ये ना पानी लेके थोड़ा सा डाल दूँगी जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। और यहाँ चाय बनने रख दी थी सुबह सुबह का टाइम है, अभी तक मैंने चाय तक नहीं पी है, और कम से कम 9 बजने को जा रहे होंगे।
और बस यही करते 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 अब मैं बस ये करने के बाद ही चाय पीऊँगी बैठ के। तो अब मैंने जैसे ही थोड़ी देर में देखा तो बिल्कुल जो मसाला था बहुत बढ़िया बन चुका है। अब हम मैं इसमें राजमा ऐड कर दूँगी ना, तो ये जो निकाल निकाल के राजमा है इसके अंदर डाल देंगे, और जो ये पानी है ना इसके अंदर वो पानी भी डाल देंगे, और थोड़ा सा ना हाथ से प्रेस करते हुए डालेंगे। देखिए मैं अभी कैसे राजमे को प्रेस करूँगी ना, अगर आप लोगों को लगे तो और आप पानी अलग से भी ऐड कर सकते हैं, बट सच पर ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर वो है ना चिकने चिकने से और ग्रेवीदार नहीं बनते हैं। तो कम ही पानी ऐड रखें, ज़्यादा ना करें। और बस मैंने भी थोड़ा सा इसमें आधा गिलास सा पानी ही ऐड किया था, और बस इसे धीमी आँच में इसे उबलने के लिए रख दूँगी। तो ये धीमी आँच में बनता रहेगा, और रसोई में राजमा बहुत टेस्टी बना था, सभी ने तारीफ़ की थी बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं जा रही हूँ बेटी के पास उसको कराने काम। तो अब थोड़ी देर जब तक इसका पेपर नहीं होता यहाँ पे मुझे बैठना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ें इसको समझानी पड़ेगी, क्योंकि आटा लग चुका है, राजमा भी धीमे धीमे बन रहा है, घर की साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है, बेटी नहा चुकी है, ये भी नहाने जा रहे हैं। तो अब बस मेरा ही नहाना रहता है, और मेरा नहाना मिलेगा मुझे बेटे के पेपर होने के बाद, क्योंकि बीच में तो मुझे टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि उस बीच में थोड़ा बहुत अब रोटी वगैरह भी बनाऊँगी, इतने में बेटे का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको समझा रहे हैं, यहाँ बेटा देखिए इनके अपनी अलग ही मस्ती चल रही है। और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं प्लीज़ मेरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, और आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। अभी बहुत खुशी की बात आने वाली है, तो आप वेट कीजिएगा, आपको जल्द ही वो ब्लॉग भी मिलेगा। तो चलिए मैं अभी इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, अगला व्लॉग ज़रूर मिलेगा, मार्केट का मिलेगा आपको, तो प्लीज़ बने रहिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और देखिए ये है आज का नाश्ता, कहो लंच कह दो जो मर्जी कह दो, तो मैंने आज बनाया राजमा चावल और पराठे बनाए थे प्लेन वाले, और देखिए राजमा कितना अच्छा बना, धनिया नहीं था तो धनिया डालती, देखिए राजमा बहुत एक एक